अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एएन किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन डायनामाइट रेसिपी, जो बहुत ही यमी और डिलीशियस बनकर रेडी होता है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 1/2 kg चिकन लिया है बोनलेस। अब हम इसको मैरिनेट कर लेंगे। 1/2 स्पून नमक ऐड कर देंगे इसमें हम, 1/2 स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1/2 स्पून ऑरिगेनो, 1/2 स्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1 स्पून डार्क सोया सॉस भी ऐड कर देंगे इसमें हम, 1 अंडा भी ऐड कर देंगे। उसके बाद इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1/2 आवर के लिए हम फ्रिज में मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। अब हम सॉस रेडी कर लेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 4 स्पून मेयोनीज लिया है, उसको एक बोल में डाल देंगे। थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे इसमें, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, 1 स्पून रेड चिल्ली सॉस, 2 स्पून टोमेटो केचप ऐड कर देंगे। उसके बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमारी सॉस रेडी हो गई है। 1/2 आवर हो गया है, हमारा चिकन अच्छे से मैरिनेट हो गया है। अब हम इसमें 2 स्पून मैदा ऐड कर देंगे, 2 स्पून कॉर्न स्टार्च भी ऐड कर देंगे। उसके बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस पर मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें चिकन के पीसेस ऐड करते जाएंगे और उसको फ्राई कर लेंगे। मीडियम हॉट ऑयल रखेंगे हम यहाँ पर। अब इसको पलटा लेंगे हम, दूसरी साइड भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर चिकन हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे। यहाँ पर मैंने फ्राई किए हुए चिकन को एक प्लेट में निकाल दिया है। अब हम इसके ऊपर से सॉस डाल देंगे। अब हम चिकन को सॉस के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब हम प्लेटिंग कर लेते हैं। प्लेटिंग के लिए मैंने यहाँ पर कैबेज लीव्स लिए हैं। अब हम इसके अंदर सर्व कर लेंगे। तो हमारा चिकन डायनामाइट बनकर रेडी हो गया है, जो बहुत ही डिलीशियस और यम्मी बनकर रेडी हुआ है। फ्रेंड्स, आप इसको ज़रूर एक बार घर पर ट्राई करिए, सबको ज़रूर पसंद आएगा। अब इसके ऊपर से हम थोड़े से स्प्रिंग अनियन डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे रेसिपीज अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कॉमेंट करके बताइए कि आपको मेरे रेसिपीज़ कैसे लगते हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।